अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद नासर अली और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल की। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल से रीड कर लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल केबल टीवी के बारे में। जी तो दोस्तों, अब तक आप एनालॉग केबल का तो नाम सुनते भी रहे हैं और आपके घरों में जो केबल टीवी चल रही है वो एनालॉग है। मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल जो केबल है वो क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं और फ्यूचर में जितने भी केबल टीवी है उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल की सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में जो केबल टीवी चल रहा है इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा और डिजिटल कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा और कितने चैनल आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एक नई पॉलिसी बनाई गई है। फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया है कि केबल टीवी की नई पॉलिसी जो है वो मंजूर कर ली गई है और जल्द ही इस पर काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में जो केबल टीवी नेटवर्क चल रहे हैं उनको जल्द ही डिजिटल किया जा रहा है। दोस्तों, इस टॉपिक के जानने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि डिजिटल केबल और ये एनालॉग केबल इनमें क्या डिफरेंस है। नॉर्मली जो घरों में यूज़ किया जाता है, आपके घर में भी लगा होगा, नॉर्मली जो आप केबल का कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, केबल की एक वायर आती है और आपके टीवी में वो इंसर्ट हो जाती है, तो ये जो नॉर्मल केबल है इसे आप एनालॉग केबल कहते हैं। इसका सबसे जो आप कह रहे हैं बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको चैनल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, ठीक है। मीन के चैनल बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी में मिलते हैं, कभी तो उनके चैनल की क्वालिटी अप डाउन और इस तरह ये मसला रहता है एनालॉग टीवी में, ठीक है। सबसे बड़ा तो इसका नुकसान ये है। दूसरा, एनालॉग केबल का नुकसान ये है कि इसमें आपको बहुत ही कम चैनल देखने को मिलते हैं। मीन के लिमिटेड चैनल 70 से 80 चैनल आप इस एनालॉग केबल पर देख सकते हैं, इससे ज़्यादा चैनल नहीं देख सकते, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिजिटल जो केबल है उसका क्या फ़ायदा है। दोस्तों, अगर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक बॉक्स होगा। केबल टीवी वाले आपको एक बॉक्स देंगे जिसे आप डिजिटल बॉक्स कहते हैं। केबल की जो वायर आएगी वो आकर डिजिटल बॉक्स में लगेगी और उसके थ्रू आपका जो टीवी होगा वो केबल टीवी बॉक्स के साथ कनेक्ट होगा। डिजिटल जो टीवी बॉक्स है उसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपको जो पिक्चर क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी, फुल HD हो सकता है, 4K चैनल भी उसमें शामिल हों। सबसे बड़ा फ़ायदा डिजिटल केबल का ये है कि आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन मिलती है, ठीक है दोस्तों। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये कि डिजिटल जो केबल टीवी बॉक्स होगा, अगर ये एनालॉग केबल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है तो आप 1000 से ज़ायद चैनल देख सकेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जो एनालॉग केबल है, एनालॉग टीवी है, उस पर आप 70 से 80 चैनल देख पाते हैं, लेकिन जब इस केबल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो आप 1000 तक चैनल देख पाएंगे। तीसरा जो फायदा है फ्रेंड्स वो यह कि एनालॉग जो केबल होती है उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप कौन से चैनल देखना चाहते हैं कौन से नहीं देखना चाहते, अपने पसंद के चैनल आप उसमें ऐड नहीं करवा सकते। लेकिन जो डिजिटल केबल होगा, जब डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आपके घर में डिजिटल बॉक्स लगा होगा, तो फिर आपकी मर्जी है, जो चैनल आप देखना चाहें वही एक्टिवेट करवाएं, जो नहीं देखना चाहते वो आप रिमूव करवा सकते हैं। तो ये चीज़ भी, ये ऑप्शन भी आपके पास इसमें मौजूद होगी। तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो केबल नेटवर्क चल रहा है एनालॉग केबल, इसको फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम जल्द ही डिजिटल केबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं अभी आपको कुछ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से भी दिखाता हूँ साथ। इस वक्त हमारे घरों में जो केबल आ रही है वो एनालॉग केबल आ रही है, उसके ऊपर जो क्वालिटी है आपकी, एक तो वो नहीं है, दूसरा उसमें चैनल्स बहुत महदूद हैं। नंबर टू, इसके बाद ये हो जाएगा कि आपके जो चैनल्स की तादाद है जो इस वक्त तकरीबन 143 के लगभग है, ये केबल डिजिटलाइज होने के बाद चैनल जो हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि 950 चैनल्स तक जो है वो हम पहुंच जाएंगे। अगर मैं समझता हूं कि मुझे जो है अपने घर में मैं अरबी चैनल लगवाना चाहता हूं या मैं अंग्रेज़ी चैनल लगवाना चाहता हूं और मैं उस चैनल के लिए 2000-3000 फीस देना चाहता हूं, तो मैं फिर वो क्या कर सकूं। इसके साथ साथ जो क्वालिटी है और स्पेशली ये जो अब हम बॉक्सेस लगाएंगे उसमें हम शो करेंगे कि 4K सिग्नल्स जो हैं वो भी उसमें डाल सकें ताकि हम एक फ्यूचरिस्टिक जो मीडिया सीन है वो क्रिएट कर सकें।
जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, फाज चौधरी साहब कह रहे थे कि जो केबल सिस्टम है एनालॉग, उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आपको 900 से ज़्यादा चैनल मिलेंगे, टेक्नोलॉजी के चैनल मिलेंगे। उसके अलावा यूज़र के पास ये ऑप्शन होगी वो कौन से चैनल ऐड करवाना चाहता है, इंटरनेशनल या किसी भी अपने कंट्री के या किसी भी किस्म के कार्टून के, बच्चों के, मूवीज़ के चैनल। तो यूज़र के पास एक ये भी ऑप्शन होगी। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाएगी अगर हमारा जो केबल है एनालॉग से डिजिटल पर कन्वर्ट हो जाता है, तो आपकी डिश एंटीना से जान छूट हो जाए तो आपकी डिश एंटीना से जान छूट जाएगी। क्योंकि डिश एंटीना लोग इसीलिए लगाते हैं, एक तो वो चाहते हैं कि उन्हें जो चैनल मिले उनकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो, दूसरा यह कि केबल में चैनल की वैरायटी नहीं होती, तो वो वैरायटी देखने के लिए भी डिश एंटीना को यूज़ करते हैं। तो अगर ये डिजिटल टीवी हो जाती है, मीन कि हमारा जो एनालॉग सिस्टम है केबल टीवी का, ये मुकम्मल डिजिटल हो जाता है, तो फिर आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, डिश एंटीना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जस्ट आपको अपने घर में एक बॉक्स लगवाना पड़ेगा। आप अगर अपनी मर्जी के चैनल देखना चाहेंगे तो उसके आपको पेड करना पड़ेगा, तो वो चैनल आप देख पाएंगे। तो ये दोस्तों अपडेट थी डिजिटल टीवी के हवाले से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।